आपको मेरे। आवाज आ रही है मेरे सबको? हेलो हेलो। आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो। भाई अब आ गया। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा बीच में माइक चालू करके सबको बोलना है, ठीक है? रिस्पॉन्स आपको देना है, ठीक है? लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, बहुत दिन पहले हुई थी, जो भी हुई थी, तो उसमें मैंने कुछ आपको दो मेथड्स बताए थे, याद है आप सबको? वो जो दो मेथड्स मैंने बताई थी, याद है आप सबको? वो जो दो मैंने मेथड्स बताई थी, तो हेलो, लास्ट क्लास में जो मैंने दो मेथड्स बताए थे वो सबको याद है क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? देखो, उसमें जिसको भी डाउट होगा वो पूछ लेना बाद में। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो था आपका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ था कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो हमने बना लिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, ठीक है? अब इसके चारों के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट है -4, -2, बी का कोऑर्डिनेट है -3, -5, सी का कोऑर्डिनेट है आपका 3, -2 और डी का कोऑर्डिनेट है 2, 3, ठीक है? आपको बोला है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं वो देखो। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हमारे पास ये चार साइड गिवन है, जिसके लिए हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, बीच में से एक डायगनल ड्रॉ करेंगे, दैट इज ए सी, ठीक है? ए सी डायगनल ड्रॉ करने के बाद देखो, ये क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ठीक है? ये दो जो ट्राइंगल आपको दिख रहे, तो आप पहले ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालो, फिर ए डी सी ट्राइंगल का एरिया निकालो, दोनों का जो भी एरिया आएगा उसको ऐड करना, ठीक है? तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ए डी सी, ठीक है? तो आप क्या करोगे, पहले एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल लो, दैट इज 1/2। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला याद है किसी को? बाहर क्या लिखते थे हम, x1 y2 - y3 प्लस सर एक्स टू सर y3 - y1। हाँ सर हाँ बोलो, क्वेश्चन आप कौन सा सम करा रहे हो नंबर 4, सर? कौन सी एक्सरसाइज का? 7.3।
7.3 का यस सर। थर्ड क्वेश्चन मैंने इतने बार पूछा कि उस दिन जो क्लास में कराया था वो आ गया सबको, तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये 1/2 एक्स वन की वैल्यू क्या है आपकी, ये एक्स वन होगा, ये वाई वन होगा, ये एक्स टू होगा, ये वाई टू होगा, ये एक्स थ्री होगा और ये वाई थ्री होगा। तो एक्स वन की वैल्यू आपकी है -4, वाई टू की वैल्यू क्या है -5, फॉर्मूले का माइनस, वाई थ्री यानी -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स टू यानी -3, तो ब्रैकेट में लिखना है, दोनों साइन साथ में नहीं आएगी। ठीक है, देन आपका क्या है y3 इज -2, y1 इज ऑल्सो -2। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, और y2 की वैल्यू क्या है आपकी -5, तो माइनस ब्रैकेट में रख। ठीक है, अब यहां से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा वो देखना, ये आपका हो जाएगा 1/2, -4 बाहर ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 2 -3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस -3, यहां से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 2 0। ठीक है, +3 माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 5 यानी 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12, ये तो 0 हो गया, 3 3 = 9 +9 दैट इज ये आपका हो जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया। ठीक है सर, इसके बाद आप क्या निकलोगे? हाँ बोलो सर। सर मैं यहाँ पे न्यू हूँ, तो फिर सर मेरे को पता नहीं आप कौन सा मेथड से करा रहे हैं, मैं अभी न्यू आया हूँ, 3 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो तुम एक काम करो, इस चैप्टर की वीडियो लेक्चर, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, यस सर, आप उसको रेफर कर लेना एक बार, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मेरे को पता नहीं था कि आप न्यू इसमें ज्वाइन हुई आप। ठीक है, नहीं तो मैं आपको पहले ही वीडियो लेक्चर भेज देता हूँ। कोई बात नहीं, आप इसको, मैं इसको भी आप वापस से देख पाओगे, तो पहले जो वीडियोस हमारे पास हैं वो देख लेना 7 चैप्टर के। ठीक है, वो वीडियोस देख के फिर इसको भी देख लेना, तो आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी। आज समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, और कोई डाउट हो तो फिर वापस मेरे को पूछ लेना। यस सर, यस सर। ये आपने एरिया ऑफ ABC निकाल दिया, अब निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। बाकी सबके माइक बंद क्यों है? बाकी सबके माइक में कोई तकलीफ है क्या? यहां पर फॉर्मूला आपका वापस से यही सेम रहेगा, लेकिन यहां से आपकी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ये आपका x1 y1 रहेगा, ये आपका x2 y2 रहेगा, और ये आपका x3 y3 रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां से जब आप एरिया ऑफ ADC निकालोगे तो एक x1 क्या है आपका -4 है। ठीक है, यहां पर आपका y2 क्या है 3 है, -2। ठीक है, प्लस 2 आएगा, देन आपका यहां पर आएगा -2 -2 प्लस 3 आएगा, 3 में आपका आएगा यहां से y1 - y2 यानी -2 - 3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 × 5 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो 2 × 0 प्लस 3 × -5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 -20 और ये आपका
नहीं दिख रहा उस तरफ, थ्री नहीं दिख रहा, हो जाएगा ये माइनस 20 होगा आपका और ये हो जाएगा माइनस 15। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आपका हो जाएगा माइनस 35 अपॉन 2। ठीक है, अब एरिया आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 35 बाय 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका आंसर आएगा 35 बाय 2 स्क्वायर यूनिट। अब इसके बाद कोई नहीं, अभी वो हो गया। ठीक है, तो 35 बाय 2 हो गया ये। अब इसके बाद आपको क्या करना था, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की क्या है, ये है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू 21 बाय 2 प्लस 35 बाय 2। ठीक है, 21 प्लस 35 आपका हो जाएगा 56 बाय 2, को कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4 और 1 6 8। ठीक है, तो 28 स्क्वायर यूनिट आएगा आपका ये। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या आया, 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, लिखो इसे। आप लोग अपना माइक ऑन करो। सब लोग, हाँ तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ भी, सर पूछ रहे हैं तो ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए, जब वो सर पूछे तो बोलना है माइक ऑन करके, मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, यस सर। हाँ ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया, माइक बंद कर लो, जब सर पूछे तब आपको ऑन करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका गिवन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी, और इसके बाद जिसको भी डाउट है वो पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। बोलना ये चाह रहा है कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है
कि जो मीडियन होता है, ठीक है, मीडियन आप सबको मालूम है कि क्या होता है, ठीक है, मीडियन मतलब होता है जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, अगर ये मीडियन है तो इस मीडियन का काम होता है इन दोनों को इक्वल एरिया में डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये वेरीफाई करके बताना है कि जो ये मीडियन है, ठीक है, ये जो एडी है वो इस ट्राइंगल को पूरा दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है एरिया, ठीक है, इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, यानी ए बी डी इक्वल्स टू ए सी डी आपका आना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए आपको गिवन क्या है, 4, -6, बी क्या है 3, -2 और सी आपका है 5, 2, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, ये देखो, आपको सबसे पहले तो अगर ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपको ये डी पॉइंट मालूम होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले हमें वो डी पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब जो ये मीडियन की लाइन आ रही है ना, ठीक है, ये एडी जो लाइन आ रही है बीसी पे, वो डी पॉइंट यहाँ पर क्या काम करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा, किसका पॉइंट करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपका पहला जो स्टेप आएगा वो लिखोगे डी निकालना पड़ेगा आपको, तो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन बीसी, बीसी लाइन का डी मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है बीसी लाइन का तो आप डी निकाल सकते हो एक्स कॉमा वाई, दैट इज डी एक्स वन प्लस एक्स टू, यानी 3 + 5/2 कॉमा वाई वन प्लस वाई टू, यानी -2 + 2/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी 8/2 कॉमा 0/2, दैट इज डी 4, 0, ये कैंसल हो जाएगा 4 का, तो ये 4, 0 आपका डी कोऑर्डिनेट आएगा। अब आप आराम से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी निकाल सकते हो, हाफ, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक्स वन, एक्स वन यानी 4, वाई टू माइनस वाई वन यानी -2 और ये आपका हो जाएगा 4, 0 ना, तो -2 - 0 प्लस 3, 0 - -6 प्लस 4, ठीक है, -6 - -2, ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का, तो हाफ -2 आएगा यहाँ पर खाली, प्लस 3, 6 आएगा यहाँ पर खाली, प्लस 4, -, प्लस हो जाएगा, तो -6 + 2 यानी -4, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/2 -8 प्लस 18 -16, ठीक है, तो इसको अगर आप लिखोगे तो 1/2 -8 + 18 दैट इज +10 और -16 दैट इज -6 आएगा आपका, ठीक है, इसको अगर आप लिखोगे तो -6/2 लिखोगे दैट इज -3, जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो आपको मिला है वो मिला है -3, लेकिन अब ये है क्या, एरिया है, तो एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 3 square unit, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो आया है वो क्या हो गया, 3 square unit हो गया। अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी निकालोगे या फिर ए डी सी, ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा हाफ, एक्स वन की वैल्यू है 4, ठीक है, और वाई टू की वैल्यू आपकी है 2 - 0, ठीक है, वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस 5, 0 - -6, देन
आपका है प्लस फोर माइनस सिक्स माइनस टू, ठीक है, ये आपका हो गया ये फॉर्म। यहां से आएगा वन बाय टू, ये टू माइनस जीरो टू हो जाएगा, तो फोर टू जा एट, या फिर एक काम करो, ये आपका फोर इंटू टू होगा प्लस फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू सिक्स प्लस फोर माइनस एट, ठीक है, ये हो जाएगा वन बाय टू, ये फोर टू जा एट प्लस फाइव सिक्स जा थर्टी, और ये आपका फोर एट जा थर्टी टू होगा, तो प्लस माइनस माइनस थर्टी टू, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा वन बाय टू, ये हो गया थर्टी एट माइनस थर्टी टू, दैट इज वन बाय टू इंटू सिक्स थ्री, तो ये आपका आया थ्री स्क्वायर यूनिट, ठीक है, थ्री स्क्वायर यूनिट मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी भी आपका थ्री स्क्वायर यूनिट आया था, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी भी आपका थ्री स्क्वायर यूनिट आया, तो इससे पता ये चलता है कि जो मीडियन ए डी था, ठीक है, जो मीडियन ए डी था वो इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, इससे पहले वाले किसी क्वेश्चंस में डाउट? नो सर। श्योर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी को कोई डाउट है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। No, आपने कल मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर का था शायद वो, क्या पूछा था एक बार बोलना ना, क्वेश्चन आपको कौन सा था? पार्थ, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, क्या डाउट था आपका? सर, एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड का फर्स्ट। एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड का फर्स्ट, ये 7 प्लस 10 वाला, ऐसा मिक्स फ्रैक्शन वाला? यस सर। ठीक है, देख लो एक बार, और किसी को कोई डाउट है तो निकाल के रखो। एपी चैप्टर में भी किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है, अब देखो इसमें जो दिया है वो बोला है, फर्स्ट आपका जो दिया है एपी, आपको निकालना है फाइंड दिस सम, ठीक है, यानी आपको एसएन निकालना है, गिवन ये है कि 7 प्लस 10 वन बाय टू प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, ठीक है, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। बंद कर लो, रिकॉर्डिंग बंद कर लो, दूसरे चैप्टर का डाउट्स करा रहा हूँ।